दोस्तों, घर में अगर टाइल का वर्क करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, काफी काम की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। टाइल खरीदते समय अपन क्या किस बात का ध्यान रखना है, टाइल लगाते कैसे हैं, किस बात का ध्यान रखना है, मिस्त्री कैसे ढूंढेंगे, क्या रेट लेगा, उससे कैसे लगवानी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अपन क्या करते हैं, अपन टाइल खरीदने की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन ने टाइल खरीद ली मार्केट में, अपन टाइल जो भी इस रेट चलती रहती है वो अपन टाइल लेंगे। जैसे अपनी फेमस कंपनी है जैसे कजारिया की है, सुमेने की है, तो ये पांच छह कंपनियाँ होती है मोस्टली, जो ब्रांड की कंपनियाँ आती है इनकी टाइल अपन मार्केट से अपन खरीद सकते हैं। और ये लगभग अलग अलग साइज़ों में आती है, जैसे 2x4 की आती है, 2x2 की आती है, 12x24 की आती है, 16x16 इंच की आती है, और 12x12 इंच मतलब 1x1 फीट की आती है। तो ये अलग अलग साइज में अपन को मार्केट में ये मिल जाती है कंपनी के हिसाब से। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे अपन 2x2 की और 2x4 की टाइल अपन, जैसे अपने फ्लोर है, रूम वगैरह, बेडरूम है, डाइनिंग है, ड्राइंग रूम है, इनमें 2x4 की या फिर 2x2 की टाइल अपन काम में लेते हैं। और जैसे 12x24 की आती है तो वो नॉर्मली अपन बाथरूमों में काम में लेते हैं, या फिर किचन की वॉल पे लगानी है तो उसके लिए अपन 12x24 की काम में लेते हैं। और 2x4 की टाइल जैसे अपना एरिया बड़ा है, जैसे अपना हॉल है, एरिया जहाँ बड़ा एरिया दिखाना है, तो उसके लिए अपन 2x4 की टाइल काम में लेते हैं। और 2x2 की अपने जैसे अपना एरिया छोटा है, जैसे बेडरूम वगैरह में अपन नॉर्मली 2x2 की टाइल काम में लेते हैं जो कि ड्यूरेबल होती है। और ये टाइल अपनी कौन सी होती है, विट्रीफाइड होती है, एक विट्रीफाइड होती है, एक सिरेमिक टाइल होती है। तो इन दोनों में से अपनी यहाँ पे अपन विट्रीफाइड काम में लेते हैं। अगर आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमें सिरेमिक कौन सी होती है, विट्रीफाइड अपन कौन सी होती है, कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके बारे में बात कर लेंगे, दोनों में से मतलब कि कौन सी अच्छी होती है। तो अपन अभी काम में लेने वाले हैं विट्रीफाइड। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन मार्केट में जैसे ये टाइल खरीदने जाते हैं तो ये लगभग अपने आ जाती है 20 रुपये से लेके 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में अपन को अच्छी अच्छी टाइलें मिल जाती है। और सबसे पहले अपन मार्केट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले टाइल खरीद टाइम पे अपन को किस बात का ध्यान रखना है, इनमें क्या है कि मार्बल जो भी अपने टाइलें होती है इनमें एक पैटर्न बनता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन कोई शोरूम में गए तो वहाँ पे अपन अगर टाइल देखते हैं तो वो डिस्प्ले में सिर्फ एक टाइल लगी हुई दिखाएगा, उनके यहाँ जो भी उसके शोरूम है उसके डिस्प्ले में एक टाइल लगी हुई दिख जाएगी, लेकिन अपन को वो एक टाइल देके अपन को उसको पसंद नहीं करना है। अपन को क्या करना है, उसको उसका जो भी शेप बनेगा, जो भी पैटर्न बनेगा, उसको वहाँ पे शोरूम में फर्श पे रख के वो पैटर्न बना के फिर देख के फिर अपन को वो टाइल लेनी है कि हाँ भाई वो पैटर्न अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उसके हिसाब से फिर अपन को आगे उस पे बात करनी है। वो नॉर्मली ये बताई दी उनकी 20 से 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो टाइम ये टाइलें अच्छी अच्छी मार्केट में मिल जाती है। और ये लगभग 6 mm से लेके 15 mm तक मोटाई इनकी रहती है, जितनी मोटाई बढ़ती जाएगी इनकी रेट भी बढ़ती जाएगी। और ये 20 रुपये 80 रुपये जो मैं बोल रहा हूँ ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब की रेट बता रहा हूँ, ये मार्केट में स्क्वायर फीट के हिसाब से अपन को ये मिले, एक तरह से अपन ये देखते हैं। और जैसे अपन अब सबसे पहले अपन ने मार्केट से टाइल ले ली, हाँ भाई जो भी अपन को पैटर्न चाहिए उसी हिसाब से अपन टाइल लेने के बाद अपन इनको घर पर ले आए। अब सबसे पहले काम आता है इनको लगाने का, तो लगाने का काम अपन जैसे कैसे करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो इसमें सबसे पहले अपन सेंड और सीमेंट का एक मोर्टार बनाते हैं। तो उसका क्या रेशियो रहता है, उसका लगभग रेशियो रहता है अपने वो 1:6 और 1:7, मतलब कि अगर उसमें अपन एक परात अगर सीमेंट की ले रहे हैं तो उसमें 6 परात उसमें सेंड की होती है। सेंड कौन सी होती है, सेंड अपने लगभग मोटी सेंड काम में लेते हैं इसमें, ना कि पतली, पतली सेंड नहीं लेंगे, मोटी सेंड लेंगे। अगर मोटी अगर पतली ले ली तो उसमें फ्लैकी नहीं रहती वो। और जैसे वो अपन वो टाइल लगाते हैं तो वो पोली वहाँ पे पोली हो जाती है और भजेगी वो टाइल बाद में। तो इस तरह से अपन मोटी सेंड लेंगे। और ये लगाने का तरीका कैसे रहेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
तो अपन को मोटी स्टैंड कहाँ में लेनी है, रेशियो मैंने आपको बता ही दिया 1:6 या 1:7 के अराउंड अपन लेंगे इसका। और इस तरह से अपन जैसे वीडियो में आप देख रहे हो, सबसे पहले अपन एक ठिया बनाते हैं। ठिया मतलब जो भी अपना ले, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका टाइल में यही होता है, टाइल खरीदने के बाद मिस्त्री को पकड़ो, मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को लेके आओ, उसको उसका लेवल बताओ क्या, हाँ भाई इस लेवल ये लेवल अपन को चाहिए। जैसे अपना कॉरिडोर लगा हुआ है बाहर का, कॉरिडोर गैलरी वगैरह जो भी है, वो उस लेवल से अपन कितना ऊपर रखना चाह रहे हैं, नीचे रखना चाह रहे हैं, तो वो लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस लेवल को एक बार समझना होता है, उसके लिए अपन को सबसे पहले ठिए लगाने होते हैं, टाइल लगाने से पहले कल हाँ भाई वो लेवल सेट हो जाए पूरे रूम में या पूरे हॉल में। उसके बाद फिर अपन पूरा उसमें वो सेंड वगैरह, वो सेंड और सीमेंट का वो जो मोर्टार होता है वो बिछाते हैं। सबसे पहले अपन ठिए बनाते हैं, जैसे अपन लेवल लगा के वो ठिए इस तरह से अपन लगा देते हैं। और जो भी आजकल टाइल लगाते हैं अपन 0-0 लेवल पर लगाते हैं, मतलब कि इनमें स्लोप नहीं देते हैं, जैसे रूम में, बेडरूम में या फिर अपने ड्राइंग रूम में टाइल लगा रहे हैं तो इनमें स्लोप अपन 0-0 रखते हैं। और अगर स्लोप में या फिर बाथरूम में लगा रहे हैं टाइल फ्लोर वाली, तो उनमें अपन को स्लोप लगभग देना पड़ता है थोड़ा बहुत। स्लोप की अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो ले आऊँगा और दिखा भी दूँगा आपको किस तरह से अपन को स्लोप देना होता है। तो इस तरह से आप देख ये समझ ही गए, रेशियो की बात कर ली अपन ने और ये ठिए लगाने लगा दिए। और ये होता है अपने लेवल के हिसाब से सबसे पहले ठिए लगाने होते हैं, और उसके बाद फिर वो सेंड और सीमेंट का मोर्टार बिछा के टाइल को फिक्स करते हैं। टाइल फिक्स करने के लिए पहले उसको कच्चा, उसको एक बार टाइल को रखा जाता है, लेवल सेट करा जाता है, और उसके नीचे फिर एक सीमेंट का घोल आता है, पेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या रहता है, 1:1 का होता है उसमें, जैसे एक सीमेंट और एक बजरी होती है, उसमें गाढ़ा सा उसको पेस्ट बना के और वो सीमेंट को हटा के वहाँ पे उस पर अपन कच्चा करके थोड़ा सा कन्नीस अपन करके नीचे अपन उसको डाल देते हैं ताकि वो पेस्ट बन जाता है। और दूसरा चीज़ अपन क्या करते हैं, जैसे अपने 2x4 की टाइल है, बड़ी टाइल है, तो इसमें एक अपन स्पेसर काम में लेते हैं, मतलब कि दो जैसे जितनी भी टाइल है उनमें थोड़ा सा ग्रूव रखते हैं ताकि अगर कोई टाइल में बेंड वगैरह हो तो वो उसमें अपन ग्रूव में, जैसे भी अपना कोई वाइट सीमेंट वगैरह ग्रूव पेस्ट करके ग्राउट भर के बनने के बाद वो ग्रूव जो भी उसमें बेंड वगैरह वो उसमें ढक जाए, दिखे नहीं अपन को, वरना वो चीज़ अपन को लगने के बाद बहुत ख़राब लगती है। तो वो प्रोवाइड अपन को करना भी चाहिए 2x बड़ी साइज़ के टाइल में। तो इस तरह से अपन इसकी बात हुई, अब आगे अपन बढ़ते हैं इस वीडियो में। अपन टाइल लिए, टाइल लगा लिया, मिस्त्री से लगवा लिया, और अपने लेवल की बात कर ली, मोटर की बात कर ली, और अब अपन बात करते हैं रेट की। टाइल की लगभग मार्केट में आज के टाइम पे रेट है 12 रुपये से, लगभग 12 रुपये से 20 रुपये तक, 18-20 रुपये। ये अपने एरिया का डिफरेंस रहता है और अपना जो भी स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड मिस्त्री है, उसका फ़र्क रहता है। तो इस तरह से अपन जैसे जहाँ तक हो सके, मतलब कि अगर घर का काम है तो अच्छे लेबर से, अच्छे मिस्त्री से अपन को टाइल लगानी चाहिए। उसके 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये अपन को जो भी देने पड़ रहे हैं, एक बार अपन हम काम ख़राब नहीं करना चाह रहे ना अपन, तो इसलिए अच्छे मिस्त्री को ढूंढो, बात करो उसका। पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका जो पुराना काम है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ये, मतलब कि हाँ जो भी उसने पहले काम कर रखा है, एक बार उसको वहाँ जाके उसका देखा है कि हाँ भाई कैसे क्या लगा रखा है उसमें, टाइलों में बैंड में वो जो भी किनारे हैं, कॉर्नर आते हैं, उनको सही से मिला रखा है, नहीं मिला रखा, इस तरह से एक बार अपन देखाते हैं चल के, फिर उसके बाद उससे वो टाइल अपन लगवा सकते हैं। कलहान भाई साहब ये अपन लगवा दो, ठीक है गाइज। तो इस तरह से अपन ये काम कर लेते हैं, और अगर कुछ और जानना हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में और बता दूँ।